भीलवाड़ा लिए चलते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्यक्रम में मौजूद हैं और ये कार्यक्रम की तस्वीरें महंगाई राहत कैंप का सबसे पहले पहुंचकर उन्होंने जायजा लिया, महिलाओं से जानकारी ली किस तरह से योजनाओं का लाभ उठा रही है, क्या उन्हें मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड मिल चुके हैं, किसी तरह की मुश्किलें तो नहीं आई और फिलहाल ये कार्यक्रम जिसमें धीरज गुर्जर का संबोधन चल रहा है। सरकार की दो लेकिन चक्कर क्यों पड़े, चक्कर यो पड़े, काम करे कांग्रेस और फायदो ले जाओ बीजेपी वाला। पूरा देश में देख लो, जाजपुर में देख लो, जयपुर में देख लो, दिल्ली में देख लो, बीजेपी का आदमी झूठ बोले और झट बोले। तो इले गहलोत साहब एक निर्णय और की दो, अब की बात चला की दी कि सरकार जो भी काम कह रही वो काम ने लोगों ने वहां के घरे बुलार, जयपुर दिल्ली ने बुलाओ था, भीलवाड़ा ने बुलाओ था, वसुंधरा का राज में याद कर लो, वसुंधरा का राज में बस बस भर, बसा बसा में भरकर थाने जयपुर ले गया और मिलियो कई को ने मिलियो की कोड़ो। लेकिन कांग्रेस का राज में थाने हाथों हाथ योजना को फायदो देवा को काम कांग्रेस की सरकार कर रही। और जो ये महंगाई राहत कैंप है या कैंपा का माध्यम हूँ, पूरा राजस्थान का लोगों ने वहां का पंचायत के अंदर वहां का कैंप लगा वहां काम देवा को काम राजस्थान की सरकार कर रही है। आज आप बन है अपनी कोटली तहसील में सुबह मारने का 9 बजे फोन आयो कि भाई भीलवाड़ा भी आवा और धीरज कोटली तहसील के अंदर भी आवा। मैं क्यों साहब आज तो आप आपकी मर्जी हो आ रही हो, माँ को जैसी व्यवस्था हो मैं कर दे, लेकिन एक मोटो प्रोग्राम आपने माँ की विधानसभा के अंदर और देखो पेड़ी जिसके अंदर इतनी भीड़ उमेड़ी कि भीलवाड़ा जाजपुर मु लेर दिल्ली तक का नेता की आंखें खुल जाए और यह जिम्मेदारी थान लेनी है। बोलो बुलाना ना बुलाना फंसे हैं। और एक बात और ध्यान रख, जो धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्तकाल पर रखिए चारी, यो धीरज गुजर आपको नेतो कौन है, यो धीरज गुजर आपको भाई और बेटो है, यो धीरज गुजर आपकी तकलीफ को साथी है, यो धीरज गुजर आपकी आंखें का आंसू पूछ बड़ो है। और मैं आपने सोगनखार वचन दे बिजनिया ग्राम पंचायत हुआ ग्राम पंचायत है का हर बार जब भी मैं वोटा की जोड़ी मांडी आपकी ग्राम पंचायत मैंने वोटा की जोड़ी भरवा को काम की दो। और मैं धन्यवाद भी देखो कोटड़ी और जाजपुर का हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता ने का मैंने जयपुर दिल्ली खटे भी लड़ो पड़ी हो, उत्तर प्रदेश भी लड़ो पड़ी हो, लेकिन आप सब लोग धीरज गुजर का एक इशारा पे आज भी हमारे साथ मारो हाथ पकड़ कर खड़ का हो। मैं आपने विश्वास दिलाऊं कि धीरज गुजर जटा तक जिंदा है, हमारा खून की एक एक बूंद आपकी सेवा में आपका चरणा में और आपके लिए समर्पित है। मैं गहलोत साहब ने एक बात और कहना चाहूं साहब, एक माँ की मांग है, माँ के बाबूदार मुलेर सर हमारे बाबूदार से लेके और अमलदा तक बनास नदी पे एक पुलिया की बहुत जरूरत है ताकि माँ की दो ही तहसील के अंदर ये गांव का मनक आपस के अंदर जुड़ जाए तो यानी 15-20-25 किलोमीटर को चक्कर खार जो जानो पड़े वो चक्कर खार न जानो पड़े, यह मांग है कौन अपनी। तो आज मैं मुख्यमंत्री साहब को कहूं कि आपने मांग की घोषणा करनी है। और मैं एक बात और कहूं एक गहलोत साहब, आप हरदम एक बात कहते हैं कि जो एमएलए है उनको मैं देता देता थक जाऊंगा, लेकिन वो लेते लेते थक जाएंगे, लेकिन मैं देता देता नहीं थकूंगा।